हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल अलायंस। मैं आपका दोस्त संदीप मिश्रा आज मैं लेके आया हूँ प्रैंक जो मैं करने जा रहा हूँ अपनी श्रीमती जी पे। काफी दिन बाद प्रैंक आ रहा है। आप लोग पूछते थे कि क्या हुआ, तो बताना चाहूंगा कि गाइस पिछले हफ्ते हम लोग काफी परेशान थे। हमारी सारे तीनों लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। हम लोग बहुत बीमार चल रहे थे, तो नाउ वी ऑल आर वेल और बस लेके आए हैं आपके लिए प्रैंक और वीडियो को एंजॉय करना, देखना। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहना इनक्रेडिबल अलायंस, और जाके इंस्टा में फॉलो कर लो यार। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वीडियो क्या है। इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं पिछले एक हफ्ते से वेट कर रहा था कि मैं प्रैंक करूंगा, यानी कि वाइफ का मोबाइल का जो बैलेंस है। मुझे मालूम था कि हफ्ते और वजह वैलिडिटी के ये खत्म हो जाएगा। जब खत्म होगा तो इसके बाद जो प्रैंक होगा वो काफी फनी और काफी इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ यू नो एक्साइटमेंट होगा और आपको काफी आने वाला है मजा। वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना और बने रहे हमारे साथ इनक्रेडिबल अलायंस पे, देखते रहो। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। मैंने फेसबुक ओपन कर लिया, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। अरे रंजन, हाँ? क्या बात नहीं कर रहा है? मम्मी का फोन लगता बज रहा है बार बार। फोन ही छोड़ देते, तुम्हारा फोन ही बज रहा था। अच्छा हाँ यार, मम्मी का फोन, मुझे कुछ काम भी था। दीजिए ना, बर्तन धोते धोते बात कर लो। चलो मैंने क्या बोला था रिचार्ज करने के लिए ना, फोन में बैलेंस ही नहीं है मेरे। मम्मी से बात कर लेना, दीजिए अपना फोन। कब रिचार्ज करने? अरे आप ना इतने चलाक आदमी, रात को 12 बजे रिचार्ज करेंगे? मुझे पता है, मुझे भी पता है, तुम्हें बोला था ना। तो पैसे मेरे ही लगने हैं, मुझे भी पता है, तो उसमें क्या। तो आप मेरे फोन से करोगी? थोड़ा टाइम दे दो, कर दूंगा मैं। तो अभी आ रहा फोन, तो अभी नहीं बोला, बर्तन धोते धोते मतलब चली आई, और जब बात करने की बात हुई तो हो गया। अरे तो मुझे क्या बुलाया क्यों? जब नहीं देना फोन, कुछ जरूरी है। अरे हाँ ठीक है, जरूरी होगा तभी फोन लगा रही है। अरे फोन ना हुआ लगता है इनका, पता नहीं क्या हो। मतलब अब लेके चली जाओगी क्या इधर से? ठीक है, जाना चाहिए जाओ, जल्दी ले आना मेरा फोन। बात करती रहो। हाँ तो ठीक है, बस बात ही करना, ज्यादा इधर उधर मत करना। लो हो गया काम, 5% मैंने आग लगा दी है। मतलब मैंने क्या किया है, इसको चुपके से मैंने फोन का अपना फेसबुक ओपन करके दे दिया और उसमें करके रखा मैंने कांड। वो कांड होने वाला काफी खतरनाक है, मुझे पता है। ये बात करने का पक्का ये, और मतलब ये लेडीज का क्या होता है, काम ही होता है कि पतियों का फोन चेक करती है। अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है। A few moments later. इनको गए हुए 15 से 20 मिनट हो गया, ठीक है। अभी 15 मिनट में हो गई होगी बात, मुझे पता है कि अभी आज मैंने इसको पासवर्ड ओपन करके दे दिया, तो अभी देखते हैं कुछ ना कुछ तो तबाही मची रही होगी। तो चलते हैं एक बार, देखते हैं क्या हो रहा है। मुझे बोला था ना मैंने फोन चेक करेंगे, अभी देख फोन ही चेक चेक हो रहा है। मैंने कहा था ना फोन चेक किया, अभी आएगा मजा। पति देव, ओह नो, पति देव, ओ पति देव, क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, गाड़ी बना रहे थे। नहीं नहीं, क्या क्या चलता क्या रहता है आपका ये फेसबुक पे? फेसबुक पे मतलब नहीं, क्या चलता क्या रहता है?
मतलब बीवी को अच्छा उल्लू बता, रुको मैं पंखा बंद करती हूँ, बिजली का बिल तो मुझे भरना है ना। क्या फेसबुक पे समझ नहीं आया? क्या चलता रहता मेरे पीठ पीछे ये बताओ, क्या नहीं पीछे? ये क्या कर क्या रहे थे? ये आराम से काम वाली भाई बनी है और ये लगे आराम से एसी चला के ये क्या कर रहे थे? लड़की से दरबार करते रहते बैठ के? कौन लड़की है? नहीं, योर मेमोरीज ऑन फेसबुक, इंसान की फैमिली, पुरानी फोटो थी, ये क्या है? थोड़ा धीरे बोलो यार, पहले एक तो समझ में नहीं है किस चीज को लेके मैं मुंह में मार लूंगी फोन। ये क्या दिखा रहा है? ये मेमोरीज शेयर करी ना, कौन सी मेमोरी? ये कौन है? लड़की कौन है ये? कब यार? नहीं ये है गाड़ी मुर्दे, कुछ भी उखाड़ दी, इतना मत दे, मतलब कुछ बताओगी? गोड़ी मुर्दे उखाड़ी मैं? ये लड़की है? नहीं कौन है ये? दिखाओगी मुझे? तुम अभी इसी को ना देख रहे थे एक घंटे से, ये मेमोरी ये कहाँ से आ रही है? तुम पागल हो? कितना कितने साल पुराना देखो तो सही। तो साल पुराना पहले ये काम करते थे आप? अरे यार धीरे बोल रहे थे मेरे कान में। नहीं, बाकी तो मुझे सबके बारे में पता है, ये लड़की के बारे में मुझे पता क्यों नहीं है अभी तक? आपने तो नहीं बताया कि ये आपकी गर्लफ्रेंड थी? कौन सी वाली यार ये? कौन सी वाली मतलब? ओह नो, अरे मेरा वो मतलब नहीं था यार, मैं पूछ तो इतनी सारी मतलब मुझे थोड़ी ना पता इतनी सारी। अरे फोन बात करी थी इसीलिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, इसीलिए मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हज होता है? छोटा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी नहीं पता हज होता है कि हज होता है, मम्मी से सुना था मैंने। जो मैं नहीं यार, लेकिन ये लड़की आ कहां से गई? मतलब फेसबुक में मेमोरी बताओ, मतलब इस लड़की के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तो किसके बारे में बताया? वो तो चलो ठीक है, पर क्या बोला था शादी से पहले? कुछ भी बातें हम एक दूसरे से नहीं छिपाएंगे ना, सब कुछ बताया था ना। ये कहां से आ गई इस लड़की का मुझे नहीं पता। फेसबुक पे मतलब फोटो डाल के रखी, इतना गहरा नाता था। अरे नाते फेसबुक पे फोटो डाली यार ना, मैं समझा करो हो गया चलो, लेकिन हर चीज को लेकर मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, फेसबुक पे इंसान गर्लफ्रेंड की फोटो मैंने आज तक नहीं देखी। खैर आप तो बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आ रहा, ये आया कहां से? अरे तो अरे यार मेरा दिमाग मत खराब करो, मैंने डाला था फेसबुक में यार, अब 10 साल की क्यों नहीं? 10 मतलब लॉक खोलो, पहले लॉक खोलो इसका। मैं नहीं खोल रहा, लॉक खोलो मुझे, मैं घर वालों को बताया मेरे फोटो भेज दूंगी। मुझे इस लड़की के बारे में बताया क्यों नहीं बताया मुझे इस लड़की के बारे में? हर चीज को हर इंसान को बतानी चाहिए क्या? मतलब हर चीज तो मतलब मुझे उल्लू बना रहे थे, मैं से क्या बोला था शादी से पहले कि मेरी ये वाली गर्लफ्रेंड थी, बस हो गया ऐसा वैसा, और ये कौन कहां से आ गई? इतना मतलब इतना छिपा लो कहां गई? अरे तो ठीक नहीं है। मुझ मतलब कैसे ठीक है? ठीक कैसे हुआ? कहां है? कहां यार हर चीज को लिए जस्टिफाई करना इतना ज्यादा जरूरी है क्या? मतलब एक लड़की को पीछे पड़ गई तुम तो? नहीं, लड़की के पीछे पड़ गई? अरे मतलब मैं पीछे पड़ गई? आप पीछे पड़े थे? आप पीछे पड़े थे तभी लड़की की फोटो उठा के डाल के रखे फेसबुक पे? मैंने बीवी की कितनी फोटो आज तक, कभी बीवी की सिंगल फोटो डाली है फेसबुक पे? डाली है, शर्म आती है, बीवी की फोटो डाल दूं अच्छा लगेगा क्या? और ये लड़की की फोटो डाल के रखे, लड़की क्या ये बीवी से ज्यादा है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अरे यार तुम इतना ज्यादा इरिटेट हो जाती हो, मतलब हर बात पे इतना 2-10। मैं इरिटेट हूँ? दूसरी बीवी होती आपको उठा के फेंक देती बालकनी से नीचे? एवरीवन हैड अ पास्ट, सबका तो पास्ट के बारे में मुझे पता होना चाहिए ना। एवरीवन हैड अ पास्ट, तुम बताऊंगा ना पास्ट को यार? तुम काहे इतना बवाल करी? हो गया, देख लिया, अभी क्या कुछ और बचा है क्या? नहीं अभी तो मैं बताती हूँ। अब तुम मैसेज क्यों पढ़ रही हो? मैं से बात मत करना, मैं आज बताती हूँ। आज तक आपका फेसबुक का मैसेंजर उठा के देखा? बताती हूँ अभी, रुक जाओ यार। एकदम गलत बात है यार ये, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं तुम्हारा कभी फोन चेक करता हूँ कि तुम मेरा फोन चेक करो? चेक करिए ना, मना करती हूँ। कभी मना किया आपको? आपके पास मेरा फोन रहता है? एक चीज बताओ, भरोसा करता हूँ इसीलिए मैंने आज? मैं भी भरोसा करती हूँ, लेकिन आज ये फेसबुक पे देख के ना मेरा पेट भर गया। अभी तो कितनी गर्लफ्रेंड की, किस गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था? बस जो पता था मुझे पता था। कोई किसी नहीं करता है किसी को? किस? Oh, no. नहीं होता यार ये किस, कौन सी किस? मैं नहीं जानता किसी को। अरे जो पुरानी नहीं रुको बताती हूँ ये नहीं। अरे फेसबुक तो अच्छा
ये किसके गले में लक्ष्मी बैठी है भाई, गाना भी भेजा, वाह 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 वाह, गाना भी गाते थे आप, मेरे लिए तो कभी गाया नहीं इतना अच्छा गाना। हाँ लड़कियां गाना गाती थी, आप गाते थे, लड़की को गाने लिख लिख के भेजते थे इसमें। अरे कब की बात है यार, जब मैं बैचलर हुआ करता तो मुझे बताना चाहिए था ना। तो हर चीज बताऊं क्या, मतलब कोई लेटरिन जाता है तो मैं बोल के जाऊं मैं लेटरिन जा रहा हूँ। लेटरिन में लड़की में फर्क होता है। अरे मतलब अच्छी अच्छे गुलछर्रे उड़ाए शादी से पहले, क्या बात है, ये देखो आज तक मैसेंजर उठा के खोल के देखा नहीं है। तुम आज ये मतलब यही कर रही हो जब से मेरा फोन, मतलब एक तो मिल क्या गया, तुमको गलती कर दी मैंने, एक तो 400 रुपया लगा देता ज्यादा अच्छा था, अब तो दे दो यार। तो मैं करवा ही लूंगी अपने, अरे मुझे मैं आ सकता हूं, तो हटो यहां से, माथा मार देती यार। पल्टी पूरी चेत, अरे दे दे रही, फोन दे दो फोन। मैं आज सारे मैसेज पढ़ती हूँ और आपके सारे फोन फटे ना, सब खोल के बताती हूँ। पटेरा क्या होता है, तो अरे दो मेरा फोन दे रही भी नहीं दे रही हो, चलो ये क्या चल रहा है, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर, क्या गाने भेजते थे यार, मुझे भी सुना दो थोड़े गाने, कभी सुनाए आपने गाने मुझे, कौन से गाने आज तक, तो मैं तेनू समझावा की, वाह 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 वाह, सुना थोड़े से गाने पति देव, इतना अच्छा लिरिक्स तो आज तक नहीं याद हुआ मेरे लिए, कभी कहां से याद हो गया। मैं अभी सारा स्क्रीनशॉट लेती हूँ, रुको बताती हूँ। अरे तो नहीं नहीं स्क्रीनशॉट लेती बताती हूँ, रुक जो हर बात को इतना मत खींचा करो ना, बात मैं खींच रही हूँ कि आपने खींची बात, थोड़ा धीरे बोले, मैं कान के पर्दे फट जाएंगे, परेशान हो गई इस आदमी से, मैंने कोई लाइक खराब करके रख दी है। अरे बस बस करो, सामान ले, करो ना, टूट गया ये लोहे का थोड़ी है, पता नहीं कैसे आदमी मिल रहा है। अरे तो आदमी है तो ठीक है, मिलेगा ना अभी, जुनू प्लीज यार इधर आओ, अरे सुन तो लो यार, मतलब तुम सुनोगे नहीं मतलब नौटंकी करोगी, ये क्या बात होती है, मतलब तुम देख तो लो ये चैट कितने सालों पुराना है यार, मतलब कुछ भी, ये इतने साल पुराने चैट पे कोई बवाल करता है क्या होता है, ये कुछ कुछ भी यार, ये मतलब ए सुनो तो मेरी बात सुनो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, आओ अरे तुम बवाल कितना कितना बवाल कर रही हो यार, सुनो तो सही जन्नो, ए तुम देखो तो सही कितने साल पुराना, मैंने सच में बताया था, सबको बताया था यार, तुम्हारे घर में सब सब लोगों को पता ही, तुमको ही नहीं पता क्या, ये तो पता था अपने सबको, अरे ये लड़की की फोटो इनके मेमोरी में आती है, वो तो शेयर करने के लिए, मैं तो ए मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जानबूझ कैसे कह रहा हूँ कि तुमको सब पता है, क्या मजाक कर रहा हूँ, पुरानी चीज़ है, पुरानी चीज़ है, एक घर वाले सर चलो सही, मुझे बात नहीं, अरे मैं प्रैंक कर रहा था अम्मा, अरे तो लड़की की तुम्हारी तो लड़की की मेमोरीज है, ओ इधर देखो सामने देखो, मैं सामने तो देखो ऊपर देखो, सामने देखो सामने तो देखो, अरे देख लिए सामने, अरे मैं प्रैंक कर रहा था सच में बताओ, मैंने जानबूझ के सुनो तो सही, मैंने जानबूझ के चैट रखे तो ओपन करके छोड़े थे तुम्हारे, वो पुराने हैं यार, और मैंने ये चीज इस चीज को कपिल से बताया था यार, सुनो तो पूछ रहे तुम तो मुझसे क्यों बताया नहीं, अरे तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तो कोई है ही नहीं, तो हर चीज हर लड़की के बारे में बताऊंगी जिसको जानता हूं, नहीं जानता हूं मैं, ईच एंड एवरी वन जरूरी है कि तुमको बताना जो है यार, प्लीज मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ ना, ऐसे थोड़ी मैं किसी चैट खोल के देखा होंगे आज तक, मैंने जानबूझ के तुम्हारा रिचार्ज नहीं किया यार, मैं जानबूझ के तुमको फोन ओपन करके दिया था कि तुम देखो, मुझे पता था कि तुम यही खुरापा तुम्हारे दिमाग में चलने वाली है, ए मत गुस्सा हो प्लीज यार, प्लीज यार तुम गुस्सा नहीं, तुम गुस्सा होती मुझे भी अच्छा नहीं लगता, सुनो तो सही, मैं देखो कैमरा लेके घूम रहा हूँ यार, तो पागल प्रैंक कर रहा हूँ, वरना मैं कैमरा लेके आता हूँ,
प्रैंक कर रहे तो लड़की की फोटो आ गई ना। और मैं खुद ही नहीं जानता यार, मतलब वो मेरी अच्छी फेसबुक वाला बोल रहा है कि मेमोरीज 9 इयर्स ओल्ड मेमोरीज शेयर करो। मॉडल की कोई फोटो लगा था, मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने लगा दी थी। मॉडल ही नहीं रही मुझे, वो नॉर्मल लड़की दिख रही, झूठ मत बोलना। अरे दिल्ली में यार ऐसे ही कुछ। सुनो मजाक, ए मेरा बेटा मेरी साइड है, खोल तो दो। ए जुनू प्लीज यार मजाक करो, ए दिखाओ यार, देखो तो गेट देखो तो सही। आया मम्मा को बना लेना। तो होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉलो अस इंस्टा, कीप वॉचिंग। ए सुनो तो सही, मैं मम्मी से बात कर रहा था, तो सुनो मैं घर में बात कर रहा था, तुम्हारी इस बात तुमने फोन नहीं लगाया, मैं खुद ही करा देता हूँ। सुनो तो सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, बाय बाय।